Hello everyone. So in this particular video, we would be talking about how to make a scientific timetable for UPSC Civil Service exam and how you can make your timetable so that you can qualify IAS in this attempt only. I assure you, this is going to be the best video you have ever seen on YouTube. तो पहले तो ये बात कर लेते हैं कि UPSC के एस्पिरेंट्स को अब टाइमटेबल की आवश्यकता क्यों है अगर अभी तक नहीं बनाया, क्योंकि UPSC का प्रीलिम्स 5 जून 2022 को है और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बात कही है, बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। तो मुझे लगता है कि आप उनमें से नहीं हैं जो फेल हो रहे हैं प्रिपेयर करने में या फिर फेल हो रहे हैं प्लान करने में। तो अगर आप फेल हो भी रहे हैं प्लान करने में, सो वी आर हेयर, वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो इस वीडियो में सबसे पहले देखते हैं टॉपर्स की लिस्ट, जहाँ पर कल के दिन आपका नाम आना वाला है। शायद आप भी शुभम कुमार की जगह हो, शायद आप भी अनुदीप की जगह हो, ईरा सिंगल की जगह हो या किसी और टॉपर की जगह हो। तो टाइम टेबल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि 800,000 लोग फॉर्म भरते हैं, 400,000 लोग प्रीलिम्स में बैठते हैं, जिसमें से 11,000 लोग जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। तो ये 400,000 में से जो ये 11,000 अप्रॉक्स 12,000 लोग होते हैं, उन सभी का अपना अपना टाइम टेबल होता है, एक शेड्यूल होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो तैयारी करते हैं और क्वालिफाई करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं, इसके बाद देखिए, जो 11,000 लोग तैयारी करते हैं और प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, उसमें से भी केवल और केवल 2,000 लोग मेंस क्वालिफाई करते हैं, जिनकी अलग स्ट्रेटेजी होती है, जो प्री और मेंस को इंटीग्रेट करके चलते हैं। आउट ऑफ दैट 2,000 ओनली 876 गेट पोस्ट इन UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम। तो ये मान के चलिए, ये जो 896 स्ट्रेटजीज होती है ना, वो कंक्रीट स्ट्रेटजीज होती हैं, दे आर मेड आफ्टर वॉचिंग ऑल दीज वीडियोज और सब कुछ करने के बाद, दे हैव देयर कंक्रीट प्लान फॉर एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मिनट ऑफ देयर प्रिपरेशन। तो आपके पास भी वो हो, उसी के लिए ये आज का वीडियो है। वैसे तो ये वीडियो जो है निकालो प्रीलिम्स 2021 बैच के लिए एक्सक्लूसिव वीडियो था, बट वी थॉट ऑफ गिविंग दिस एज अ पब्लिक वीडियो, सो दैट जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनके जो जनरल डाउट्स हैं वो एड्रेस हो चुके हैं। तो देखिए, कुछ बेसिक चीज़ों पे अब हम बात कर लेते हैं जो आपको अपने माइंड में होनी ही चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो 5 मंथ किसी भी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हैं और कुछ भी किया जा सकता है। ऑल टुगेदर व्हाट वी कैन से दैट सक्सेस इजंट ऑलवेज अबाउट ग्रेटनेस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, ग्रेटनेस विल कम। देखिए, अल्टीमेटली ये जो लाइन यहाँ पे लिखी गई है, इसका मतलब यही है, अगर कंटिन्यूसली आप लोग पढ़ें तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अचीव नहीं की जा सकती। तो जैसा कहा जाता है कि अगर कुएं पे रस्सी से बार बार घर्षण होता है तो कुएं पर भी रस्सी के निशान आ जाते हैं। तो व्हाट द अल्टीमेट थिंग इज़, यहाँ पे प्रिपरेशन के समय यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। और ये कंसिस्टेंसी कब आएगी? जब यू आर स्टडिंग 8 to 10 hours डेली विद कंसिस्टेंसी। तो पहले तो ये कहूँगा कि मेंस पे भी फोकस रखें और ऑप्शनल भी साथ साथ में अभी तक कर लेना चाहिए। इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन आप लोगों को करनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को देखने चाहिए और हमेशा 70-30 डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स यू हैव टू कीप योर 70 टाइम्स फॉर योर स्टैटिक पोर्शन एंड 30% टाइम टू करंट अफेयर्स। जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, अपने रिवीजन शेड्यूल को हर 24 आवर्स में, जैसे आप पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से वीक वाइज, डे वाइज, मंथ वाइज शेड्यूल करते रहिए। और न्यूज़पेपर लगभग 15 दिन पहले ही पढ़ें, 15 दिन पहले ही छोड़ें, क्योंकि 15 दिन से पहले अगर आप छोड़ेंगे, यू हैव टू ऑल्सो प्रिपेयर फॉर मेंस एग्ज़ाम, तो उसके में आपके क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएंगी। अब सोर्सेस वगैरह की भी बात करेंगे, बट आज का जो वीडियो है वो केवल और केवल एक्सक्लूसिव टाइम टेबल के ऊपर है, तो उस पर ही बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वाई वी नीड अ टाइम टेबल। फर्स्ट थिंग इज़, इट गिव्स अस सेंस ऑफ डायरेक्शन फॉर UPSC, बिकॉज UPSC का जो एग्ज़ाम है वो आगे चलकर जब आप IAS बन जाएंगे तो बहुत ही मैकेनिकल आपका शेड्यूल हो जाएगा। सो UPSC हैज़ डिज़ाइंड द एंटायर शेड्यूल इन सच अ वे, इन सच अ स्टेज दैट एवरी एस्पायरेंट बिकम IAS इन मेंटल फ्रेम। तो देखिए, जैसे प्री होता है, यहाँ पर प्री होता है, प्री के बाद आपका मेंस होता है, मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, तो ये पूरी साइकिल चलेगी ना, ये पूरी साइकिल में लगभग 1 से 1.5 साल लग जाएगा। तो इट नीड्स अ लॉट्स ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। तो इसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, गोल सेट होने चाहिए, इसीलिए लोगों को टाइम टेबल की ज़रूरत पड़ती है। और सेकंड थिंग, इट रिड्यूसेस वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी।
तो ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है कि टाइम आपका कंज्यूम कम होगा जब आपको पता होगा करना क्या है। इसके अलावा ये भी इंश्योर करता है कि आपका हर एक सब्जेक्ट कवर हो जाए, एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी जो है आपकी, अगर आपके टारगेट्स मेट होते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा आपके टाइम टेबल में प्रॉपर जो है रिलैक्सेशन और नैप का भी टाइम मिल जाता है, जहाँ पर कि आप रिलैक्स कर सकें। आपकी जो भी आपकी प्रोग्रेस है वो टेंजिबल हो जाती है, और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि खुद को रिवॉर्ड करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जब आपके पास टाइम टेबल होगा तो देयर इज़ नो स्कोप फॉर लेजीनेस एंड कन्फ्यूजन। तो मुझे लगता है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि वाई यू नीड टू हैव अ टाइम टेबल। अब देखिए, एक जनरल टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। हाउ अ जनरल टाइम टेबल ऑफ UPSC एस्पायरेंट्स लुक लाइक। सो एस्पायरेंट वेक अप एट 5 AM, डू एक्सरसाइज, मेडिटेट, योगा, सो दैट इससे होगा क्या, चीज़ें जो हैं उसकी इंक्रीज हो जाएगी प्रोडक्टिविटी, बिकॉज मेडिटेशन प्लेज अ की रोल इन डाइजेस्टिंग द थिंग्स वट एवर यू आर रीडिंग। 6 बजे वो नहाने के लिए गया और बाकी अदर चीज़ें उसकी हो गई। आफ्टर रिफ्रेशिंग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा उसने 7:45 तक। 8 बजे उसने खाना वगैरह खा लिया और न्यूज़पेपर कंटिन्यू रखा। आफ्टर ब्रेकफास्ट कोचिंग क्लासेस अगर हैं तो दे शुड शेड्यूल, अदरवाइज इफ़ यू आर डूइंग योर सेल्फ प्रिपरेशन यू शुड गो टिल 11 AM। आफ्टर 11 टेक अ शॉर्ट ब्रेक टिल 11:30। 11:30 से 1:30 सब्जेक्टिव टॉपिक्स पे जो है स्टडी करी। फिर 1:30 बजे लंच वगैरह करा। उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट के बाद 2:30 बजे फिर बड़ी रेफरेंस बुक ले ली टिल 5:30। आफ्टर दैट 5:30 टेक अ नैप टिल 7 PM। आफ्टर दैट 7 PM से 9 PM फिर स्टडी करी। 9 PM में डिनर वगैरह हो गया और 9:45 आफ्टर डिनर वॉच राज्यसभा TV एंड अदर थिंग्स। बाय 10 अब आपके पास सब कुछ रिलैक्स करने के लिए हैं, और अब जो है लगभग 10 बजे 10:30 बजे तक सब कुछ काम पूरा करके आप सो जाते हैं। दैट शुड बी आइडियल टाइम टेबल, बट दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट टाइम टेबल। वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर टाइम टेबल्स इन दिस वीडियो सो दैट यू कैन प्लान योर टाइम टेबल अकॉर्डिंगली। तो इस वीडियो में जो है हम बताने वाले हैं कि कैसे स्टडी प्लान्स, कैसे टारगेट्स आपके होने चाहिए। तो एक जनरल प्रीलिम्स का अगर ट्रेंड की बात करें 2013 से 2019 की, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, ये सभी में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और बात करेंगे, देयर इज़ 3-step formula टू गेट गारंटी सक्सेस इन एनी एग्जाम एंड दैट इज़ फॉलोड बाई एवरी टॉपर। तो इस वीडियो में उस 3-step formula को भी हम डिकोड करेंगे। सो इट इज़ यू, आप कोचिंग्स के बर्डन से भी ओवरबर्डन हैं, डेली रूटीन है, टेस्ट सीरीज़ है, न्यूज़पेपर है, रिविजन है और बाकी सब चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से हैट्स ऑफ टू यू गाइज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस कंपल्सन एग्ज़ाम। इसके बाद एक बात और बोलूँगा, नो पेन नो गेन, बिलीव इन योर सेल्फ एंड डेस्टिनी विल फॉलो यू। तो मैं ये बात आपसे 100% एश्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। तो जो 3-step formula की हम बात कर रहे थे, उसमें पहला स्टेप है चूज योर डेली टाइम टेबल। अब बात करते हैं हाउ यू शुड प्लान योर स्टडीज़। यू शुड प्लान योर स्टडीज़ इन शिफ्ट वाइज, लाइक फर्स्ट शिफ्ट इज़ ऑफ 3 hours, सेकेंड शिफ्ट इज़ ऑफ 2 hours, थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट इज़ ऑफ 3 hours, लाइक दिस। मीन्स जैसे पहले 3 घंटे उसमें आपने GS पढ़ लिया, उसके 2 घंटे न्यूज़पेपर, फिर GS2, इसके अकॉर्डिंग आप नीचे को बढ़ते जाइए। इस तरीके से जो है आप शिफ्ट वाइज पोमोडोरो मेथड को फॉलो करते हुए आप अपना टाइम टेबल जो है शेड्यूल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये तो बात हो गई कि अपना टाइम टेबल कैसा बनाना है, बट व्हाट इज़ द आइडियल टाइम टेबल, आइडियल टाइम यू शुड अलॉट पर सब्जेक्ट। पॉलिटी के लिए लगभग आपको 30 दिन लगने चाहिए, इकोनॉमी के लिए 30 दिन, हिस्ट्री के लिए 30 दिन, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 20 दिन, एंशंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के लिए 10 डेज, आर्ट एंड कल्चर के लिए 10 डेज, ज्योग्राफी के लिए 30 डेज, एनवायरनमेंट के लिए 20 डेज और जनरल साइंस के लिए आपको लगने चाहिए 60 डेज। एंड दिस इज़ टाइम प्रूवन मेथड, सभी टॉपर्स ने लगभग इतना ही समय दिया है पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। उसके बाद जैसे जैसे आपकी चीज़ें आगे बढ़ते जाएंगी, आपका रिविजन होते जाएगा, तो यूअर थिंग्स विल गो ऑन। मीन्स आपका टाइम टेबल के हिसाब से टाइम जो है पर सब्जेक्ट आपका डिक्रीज होते जाएगा और रिवीजन के समय आपकी चीज़ें और इज आउट होती जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि टॉपर्स प्रिपरेशन के रिगार्डिंग क्या कहते हैं। टॉपर्स ये कहते हैं यू शुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर द ऑप्शनल एंड मेंस बिफोर गोइंग टू प्रीलिम्स। तो जो भी लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, प्रीलिम्स इज क्रैकेबल,
बट अल्टीमेटली यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू योर मीन्स, क्योंकि नहीं तो आप विशेष साइकिल में फंस जाएंगे। तो सबसे पहले अपने जो आपका टारगेट रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, फिनिश योर मेन सब्जेक्ट बिफोर योर प्रीलिम्स। तो अब बात करते हैं प्लान्स की। सो हाउ अ फ्रेशर हु इज़ प्रिपेयरिंग फ्रेश फॉर एग्ज़ाम, उसको लगभग मिनिमम कितना करना है? तो उसको हमने जैसे बात की थी शिफ्ट्स की, तो तीन शिफ्ट आप लोग बना लीजिए, 1, 2, 3, 4, चार शिफ्ट्स आप लोग रख लीजिए। यहाँ पे इन शिफ्ट्स में आपको कैसे क्या करना है आइए देखते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में आपको 3 घंटे पढ़ना है, इसमें पढ़ना है आपको ऑप्शनल। सो हाउ अ फ्रेशर्स प्लान शुड लुक लाइक, तो इस पे बात करते हैं। तो फ्रेशर के प्लान में आपको 1, 2, 3, 4 शिफ्ट्स आप लोगों को बना लेनी है। फर्स्ट शिफ्ट यू हैव टू कीप फॉर 3 आवर्स, दैट इज़ फॉर योर ऑप्शनल। ट्राई टू कम्प्लीट ऑप्शनल विद इन 1 to 1.5 months, ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सटेंड मत कीजिए। शिफ्ट 2 1 घंटे की रखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए उसमें, ठीक है। शिफ्ट 3 जो आप रखेंगे वो रखेंगे 2 घंटे की, इसमें आप करंट अफेयर्स करेंगे। अब शिफ्ट 4 में आप GS, मतलब 3 घंटे की होगी, GS 1 से शुरू कीजिए। इसके बाद आगे आप बढ़ते जाइए, अपना सिलेबस जो है वो कम्प्लीट जैसे जैसे होगा वैसे वैसे चीज़ें आपकी कम होती जाएंगी। अब प्लान जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उन्हें बताने की तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये कहेंगे कि इट्स एडवाइजेबल टू हैव अ शिफ्ट वाइज स्टडी। तो जो ये शिफ्ट वाइज स्टडी हो उसमें 3 घंटे ऑप्शनल, 1 घंटा न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स हो, और 3 घंटे फिर उसके बाद GS के सब्जेक्ट्स हो। तो ये तो एक जनरल टाइम टेबल है जो होना चाहिए एक UPSC एस्पायरेंट्स का बिफोर 6 मंथ, बिफोर 5 मंथ। बट 5 मंथ आते आते आपको स्टडी को और इंटेंस करना पड़ेगा, वो कैसे करना पड़ेगा वो आगे बात करेंगे। और वर्किंग कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए क्या टाइम टेबल हो सकता है, शिफ्ट 1 हो 1 घंटे की जिसमें GS 1 पढ़े, शिफ्ट 2 हो 1.5 घंटे की जिसमें GS 2 पढ़े, शिफ्ट 3 हो 30 मिनट की जिसमें न्यूज़पेपर पढ़े, शिफ्ट 4 1 घंटे की जिसमें करंट अफेयर्स पढ़े। न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर कम्बाइंडली यू कैन टेक 1 आवर 30 मिनट। तो इसके साथ साथ आपको 2 मंथ पहले प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ भी करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो ये तो एक जनरल टाइम टेबल है फॉर हाउसवाइफ एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो आगे बात करते हैं व्हाट इज़ आइडियल टाइम टेबल, मीन्स स्लॉट वाइज जो आप कर रहे हैं वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि 5 बजे आप उठते हैं, राइजिंग अर्ली हेल्प्स टू मेंटेन योर गुड हेल्दी लाइफ स्टाइल। 5 से 5:30 आपने टी वगैरह ली, 6, 5:30 से 6 बजे तक फ्रेश अप हो गए, 6:15 से 7:15 न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लिया, मगर यहाँ पे आप लोग नोट्स साथ साथ में बना रहे हैं। 7:45 से 8:30 बजे तक ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। अब ब्रेकफास्ट के बाद आप रिवीजन के लिए गए, 8:30 से 9:30 रिवीजन हुआ, 9:30 से 11 पहला स्टडी स्लॉट हो गया, फिर 11:30 से 11:30 एक ब्रेक, और 11:30 से 1:30 बजे तक आपने जो है पढ़ाई की। फर्स्ट सेकेंड स्लॉट में 1:30 से 2:30 बजे तक आपने लंच लिया, लंच के बाद आपने टेस्ट दिया है 2:30 से 4 बजे तक, और 4 से 5:30 आपने फिर स्टडीज़ कंटिन्यू की। 5:30 से लेकर 7 बजे तक आपने ब्रेक लिया, 7 से 8 स्टडी करी, 8 से 9 कंसोलिडेशन का टाइम है, 9 से 9:30 आप लोग अदर वर्क कर सकते हैं जैसे एक्सरसाइज वगैरह। अब 9:30 से लेकर 10 बजे तक यू कैन वॉच न्यूज़ एंड डिस्कशन। अब 10 से लेकर 10:30 बजे रिफ़्रेश हुई और 10:30 बजे सो जाइए। सो व्हाट वाज़ द टाइम टेबल ऑफ टीना डाबी, टीना डाबी यूज्ड टू वेक अप 7 AM इन मॉर्निंग, फ्रेश अप, 7:30 बजे रीडिंग न्यूज़पेपर, 8:30 बजे हैड अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, 9 से 12 स्टडी स्लॉट 1, 12 से 1 करंट अफेयर्स एंड रिविजन टाइम, 1 to 2 लंच ब्रेक, देन 2 to 3 लेजर टाइम, मीन्स जो भी अन्य वर्क्स होते हैं जैसे सोशल मीडिया और अदर थिंग्स। तो 3 से 5 स्टडी स्लॉट 2, 5 से 8 जो था वो टॉपिक वाइज रिवीजन था, 8 से लेकर 9 बजे तक डिनर टाइम, प्लस 9 to 11 स्टडी स्लॉट नंबर 3। अब 11 से 12 बजे अगेन लेजर टाइम और 12 बजे वो सो जाते थे। तो इट इज़ अ सिंपल टाइम टेबल व्हाट टॉपर्स हैड डिड। तो यहाँ पे एक और अच्छा टाइम टेबल मैं शेयर कर रहा हूँ आइए सोमकांत ठाकुर का। सो व्हाट वाज हिज डेली रूटीन, ही हैज़ आल्सो शेयर्ड इन टेलीग्राम चैनल, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। तो 6 से लेकर 8:30 बजे तक वेकअप, योगा एटसेट्रा, 8:30 से 9:30 स्टडी होती थी, 9:30 से 10:30 ब्रेकफास्ट होता था, 10:30 से 1:30 बजे तक स्टडी होती थी विद 10 मिनट्स ब्रेक इन मिड,
अब एक से डेढ़ राज्यसभा टीवी मैप एटलस एटसेट्रा एटसेट्रा, दो से लेके तीन न्यूज़पेपर और प्रीलिम्स का टेस्ट, तीन से छः वन टेस्ट पर डे ये सॉल्व करते थे टू चेक द स्टडी व्हाट ही इज़ डूइंग राइट और रॉन्ग। छः से लेके सात बजे तक स्नैक्स वगैरह। अब सात बजे सात से नौ जो है वो स्टडी होगी अपनी स्लॉट थ्री की। अब डिनर राज्यसभा टीवी ये अगेन सुना जाएगा नौ से साढ़े नौ और साढ़े नौ से ग्यारह फिर स्टडी करेंगे अपनी थर्ड और फोर्थ स्लॉट में। साढ़े ग्यारह से लेकर साढ़े छः ही यूज़ टू स्लीप। और यहाँ पे जो है आप सोशल मीडिया और फ़ोन से टोटली डिस्ट्रैक्टेड ना हो। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस है कि प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व 50 to 60 टेस्ट बिफोर प्रीलिम्स एग्ज़ाम। आप देखिए जो हम बात कर रहे हैं हमारा स्टडी चैलेंज है वो कैसा होगा, तो हमारा जो रिगरस टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग जो शिफ्ट वन होगी वो तीन या दो घंटे की होगी, जो तीन से छः या फिर चार से लेके छः बजे तक फ्लेक्सिबल है, मगर चार बजे आपको उठना ही उठना है। यहाँ पर छः बजे जैसे ही आप होते हैं तो छः से सात अपना एक घंटा रूटीन ब्रेक वगैरह लीजिए, ठीक है। यहाँ पे छः से सात जो है अपना रूटीन ब्रेक वगैरह ले लीजिए। अब शिफ्ट टू जो है आपकी वो तीन घंटे की होगी, वो सात से लेके दस बजे तक होगी। यहाँ पे एक ब्रेक ले लीजिए दस से साढ़े दस बजे का। अब शिफ्ट थ्री साढ़े तीन घंटे की रखिए जिसमें दस से दो बजे तक आप पढ़िए, उसके बाद दो से लेके तीन बजे तक एक घंटे आप ब्रेक ले लीजिए। शिफ्ट फोर तीन घंटे की है, इसमें आप ये कीजिए कि कीप योर टाइम टेबल 3 to 6 PM तक आप पढ़ाई कीजिए, उसके बाद एक स्मॉल ब्रेक 6 to 8 hours का जिसमें आप अदर एक्टिविटीज फॉलो कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका फ्री आएगा आपको इस टाइम टेबल को जो है रिड्यूस करना है। अब रिविजन का जो स्लॉट है एक घंटे का रखिए 8 to 9, यहाँ पे 9 to 10 अपने लंच वगैरह कर लीजिए। अब सोने के लिए जाइए कब, 10 to 3 PM तक। अल्टीमेट स्टडी आवर्स 13 point स्टडी। तो यहाँ पे एक बात मैं और बोलूँगा कि आपका जो ब्रेन है इट ट्राइज टू फूल यू कि थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ऐसा करते करते जो है यू विल नॉट एबल टू स्टडी। तो ट्राई टू से टू योर ब्रेन कि अभी पढ़ना है, बाकी बाद में अन्य चीज़ों के लिए जो है टाइम बाद में रहेगा। सेकंड, ये तो हमने बात कर ली फॉर अर्ली वेकर्स, जो नाइट आउल्स हैं, जो नॉक्टोरल पीपल हैं उनको कैसे पढ़ना है। जो नॉक्टोरल हैं जो रात को पढ़ते हैं दे शुड स्टार्ट देयर प्रिपरेशन इन सच अ वे दैट 10 से लेके 1 बजे तक स्लॉट हो, उसके बाद 1 से डेढ़ बजे रिलैक्स कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना है, शिफ्ट टू रखिए डेढ़ से लेके साढ़े चार और साढ़े चार से पाँच बजे तक एक्सरसाइज वगैरह करिए, पाँच से लेके सात बजे तक आप रिवीजन कर लीजिए, एक सेक्शनल टेस्ट सॉल्व कर लीजिए, प्रीलिम्स गुरु या अदर ऐप जो फ्री हैं वहाँ पे आप रेफ़र कर सकते हैं, या फिर हमारी जो टेस्ट सीरीज़ आ रही है आप उससे भी रोजाना टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब नौ से लेके एक बजे तक आप लोग सो जाइए, उसके बाद क्या कीजिए ढाई से लेके पाँच बजे तक जो है अपना स्टडी स्लॉट रखिए। अब यहाँ पे एक से लेके दो बजे तक आपको खाना वगैरह खाना है और चीज़ें करनी है। अब इसके बाद देखिए ढाई से लेके पाँच बजे तक आप पढ़े, उसके बाद पाँच से सात सोशल मीडिया एट्सेट्रा आपने किया। अब यहाँ पर शिफ्ट फोर जो होगी वो सात से लेके नौ बजे तक होगी, जिसमें आप एक घंटा उसके बाद खाना वगैरह और अदर थिंग्स में रखेंगे, तो टोटल स्टडी आवर्स आपका यहाँ पे कम रहेगा। जो नॉक्टर्नल लोग हैं पिछले टाइम टेबल में 13.5 घंटे था, यहाँ पे 12.5 घंटे लगभग आप लोग पढ़ाई करेंगे। अब स्टडी चैलेंज जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं हाउ दे कैन स्टडी, शिफ्ट वन रखिए तीन से साढ़े छः बजे तक, उसके बाद अपना डेली रूटीन वर्क 6:30 to 7 PM तक सब कुछ कंप्लीट कर लीजिए। मान के चल रहा हूँ कि 7 to 8 जो है आप शिफ्ट टू रखेंगे और 8 to 9 PM तक एक घंटा आप जो है ऑफिस जाने में देंगे, ठीक है। अब 9 to 6 PM तक आपका ऑफिस है, बट यहाँ पे क्या होता है लंच ब्रेक और अन्य चीज़ें होती हैं, तो यू कैन ट्राई सॉल्विंग सेक्शनल टेस्ट। एक प्रीलिम्स गुरु करके ऐप है, इट इज़ फ्री ऐप, आई हैव सीन इट, टोटली फ्री टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे हैं, तो आप यहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं। नहीं तो हमारी जो टेस्ट सीरीज़ हैं दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट और प्राइस भी अफोर्डेबल है, ओनली 499 फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स तक पूरी 80 to 90 टेस्ट हम लोग आपको देंगे उसमें। शिफ्ट थ्री जो है वो देखिए आप 7 to 9 PM रखिए और नौ से साढ़े नौ अपना खाना वगैरह ख़त्म कर लीजिए। 9:30 to 10:30 जो है वो रिवीजन का टाइम रहेगा। अब सोने चले जाइए 10 to 3 AM तक। अब यहाँ पे आप देखिए आपका टोटल आपने पढ़ा कितना, 7.5 hours आपने पढ़ा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका एक्टिविटीज़ में अदर एक्टिविटीज़ में टाइम लगा 12 + 5 = 17 घंटे, इसको जैसे जैसे आप लोग अपने हिसाब से मैनेज करते हुए रिड्यूस कीजिए, क्योंकि आपको जो पिछले 12.5 घंटे और 13.5 घंटे मिले थे यहाँ पे केवल 7.5 घंटे मिले हैं। तो अब इसके अलावा
वीकेंड टाइम टेबल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वीकेंड्स जो होते हैं यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए जो है, जो कोचिंग ले रहे हैं या अन्य लोगों के लिए, दे आर नॉट मोर देन अ बून। तो यहाँ पे आईएएस क्रैक करने के लिए वीकेंड्स जो होते हैं वो दे ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल अगर टोटली यूटिलाइज किया जाए। तो हाउ वीकेंड टाइम टेबल शुड लुक लाइक, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, बिफोर यू स्टार्ट मैनेज 2-3 आवर्स फॉर जनरल स्टडीज, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स यू कैन टेक अ ब्रेक, पोस्ट वर्क आप लोग क्या कर सकते हैं 2-3 घंटे एटलीस्ट आपको डिवोट करने हैं फॉर योर स्टडीज़, बेड टाइम में 20-30 मिनट्स यू कैन यूज़ फॉर योर रिवाइजिंग योर थिंग्स। अब आपको करना क्या है बिफोर प्रीलिम्स और आफ्टर प्रीलिम्स। अगर प्रीलिम्स से पहले की बात करें तो सीसेट को आपको काफ़ी ध्यान देना है। आफ्टर प्रीलिम्स एग्ज़ाम यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस और यहाँ पे टेस्ट वगैरह लिखना अगर आपको लग रहा है कि यू आर क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम। पोस्ट मेंस यू कैन रिज्यूम योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, साथ साथ में आप ये कर सकते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी भी साथ साथ में रखिए। अब लास्ट 3-4 मंथ में टाइम टेबल कैसे रखें उसके बारे में हम लोगों ने पहले ही एक वीडियो बना दिया, आप उसको देख सकते हैं। सो स्टेप स्ट्रेटजी कही थी, उसका जो सेकेंड स्टेप है वो है हैव प्लान फॉर योर नेक्स्ट 140 डेज, जिसमें प्लान कीजिए डेली का, वीकली और मंथली। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो निकालो प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, हम डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, 499 रुपीज़। मार्केट में जाएंगे तो 14,999 का भी ये कोर्स आपको नहीं मिलेगा। कुछ जनरल ट्रिप्स हैं जैसे कि स्क्रीन टाइम को अपना लिमिट कीजिए, ठीक है, स्क्रीन टाइम को लिमिट कीजिए, साथ ही मल्टीपल सोर्सेज को रेफर मत कीजिए और प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। देखिए जो इस प्रोसेस को एंजॉय करेगा वो डेफिनेटली क्वालिफाई करेगा। सो विथ माय पार्टिंग वर्ड्स यहाँ पे, तो यहाँ पे जाते जाते इस कोट के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। तो एक यूपीएससी का पूरा 100 डे प्लानर है, जो अभी ज़रूरत नहीं है कि आप 100 डे देखें, अभी 140 डे बचे हुए हैं। ये ओमकांत ठाकुर सर ने शेयर किया था मेरे से, इसको आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। बट बिफोर दैट 140 डेज जो अभी हैं उनको तो इम्प्लीमेंट आपको करना पड़ेगा ना सही से। सो तीसरी जो हमारी स्ट्रेटेजी थी, जो 2-स्टेप स्ट्रेटेजी थी, जिसमें पहला था हैव अ कंक्रीट प्लान, सेकंड स्ट्रेटेजाइज, और तीसरा है इम्प्लीमेंट कीजिए, फ्लॉज निकालिए और रीस्ट्रेटेजाइज कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेंस के भी कुछ हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, साथ साथ में अगर आप प्रीलिम्स के साथ मेंस रेडी रहना चाहते हैं, एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज साथ साथ में चल रही है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। समीक्षा सीरीज़ और अन्य चीज़ें हमारे चैनल पे आ रही हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे मिस्टेक्स कमिटेड बाई एस्पायरेंट्स इन मेकिंग देयर टाइम टेबल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।